सो हेलो दोस्तों, आज है 17 नवंबर। जी हाँ, यूट्यूब का कुछ अपडेट आया हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का जो लिंक है, जो उन्होंने अपडेट दिया हुआ है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में समझाया हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि आज के डेट में यूट्यूब का क्या अपडेट आया हुआ है, जो कि एक यूट्यूब क्रिएटर को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ कि आज यूट्यूब का अपडेट क्या आया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटे के आइकन पे क्लिक करें, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, मैं राहुल इस चैनल का होस्ट स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल राह तक में। दोस्तों, आज का YouTube अपडेट बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो नीचे वीडियो में आपको मेरा ट्विटर और इंस्टा का अकाउंट हैंडल दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहां भी एक्टिव रहता हूं। आप हमें फॉलो करें और आपका जो भी क्वेश्चन है आप हमें वहां पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए बात करते हैं आज के यूट्यूब के अपडेट के बारे में। तो यूट्यूब का फर्स्ट जो अपडेट है वो ये है 100% कॉपीराइट प्रोटेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आप अपने चैनल पे कोई भी अपना कंटेंट अपलोड करते हैं और कोई दूसरा क्रिएटर अपने चैनल पे आपका वीडियो अपलोड कर देता है तो आप उसे एक दो बार कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं और आप अपने वीडियो को वहां से डिलीट करा सकते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो आपका कोई भी वीडियो, आपका थंबनेल वीडियो, मतलब कि आपकी कंटेंट अगर वो अपने चैनल पे अपलोड करता है तो YouTube उस वीडियो को वहां पे अपलोड करने नहीं देगा क्योंकि आपने पहले ही उस वीडियो को स्ट्राइक दिया हुआ है उस क्रिएटर को। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो आपका वीडियो अपलोड करता है तो आपका वीडियो उसके चैनल पे अपलोड नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक यूट्यूब वहां से डिलीट कर देगा या उसको अलाउ नहीं करेगा आपके कंटेंट को अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट अपडेट जो कि बहुत अच्छा है हर क्रिएटर के लिए क्योंकि कोई भी क्रिएटर अपना वीडियो अपलोड करता है तो शूट करता है, एडिट करता है, देन अपलोड करता है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। इसको बहुत जल्द यूट्यूब पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये था फर्स्ट अपडेट। अब चलते हैं सेकेंड अपडेट की तरफ। सेकेंड अपडेट है डिसलाइक प्राइवेट। जी हाँ, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसको अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या कोई भी यूट्यूबर का आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, फर्स्ट लाइक का और सेकंड डिसलाइक का। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने लाइक किया तो वो तो नंबर कोई भी व्यूअर्स देख लेगा कि इस वीडियो पे इतना लाइक है, लेकिन किसी और भी वीडियो पे डिसलाइक है या लाइक है तो लाइक का तो नंबर काउंट होगा लेकिन डिसलाइक का नंबर काउंट नहीं होगा। हालांकि इसको अभी प्राइवेट में रखा गया हुआ है। इस वीडियो को यूट्यूब ने अपने ऑफिशियल चैनल पे अपलोड किया था, आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि लाइक से ज्यादा डिसलाइक है, यहाँ पे आप नंबर काउंट कर सकते हैं लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इस नंबर को हाइड भी कर दिया जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सपेरिमेंट है YouTube के तरफ से क्योंकि कोई भी क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है तो बहुत ही मोटिवेट करके करता है कि मेरे वीडियो पे लाइक आएंगे, व्यूज आएंगे, लेकिन अगर उसके वीडियो पे ज्यादा डिसलाइक हो गए तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो ये रहा YouTube का सेकंड अपडेट। अब चलते हैं थर्ड अपडेट की तरफ। तो जो थर्ड अपडेट है वो ये है चैनल गाइडलाइंस कमेंट। जी हाँ, अगर आप मेरा ही वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, आप कमेंट करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर आपको YouTube का गाइडलाइंस पढ़ने को मिल जाएगा। YouTube का क्या गाइडलाइंस है, आप उसके गाइडलाइंस के हिसाब से ही आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा हुआ है आपने तो आप जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई क्रिएटर चाहे कि अपने चैनल का कमेंट गाइडलाइंस बनाए तो वो बना सकता है। इसको सेट करने के लिए आप अपने चैनल के सेटिंग में जाइए, वहां पे कम्युनिटी पे सेलेक्ट कीजिए और आप थर्ड में देखिएगा चैनल गाइडलाइंस, वहां पे आप यहां पे इसको सेटिंग कर सकते हैं। YouTube कुछ चैनलों पर अभी इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हुआ है लेकिन बहुत जल्द इसको सब चैनल पे अपडेट कर लिया जाएगा जो कि हर क्रिएटर अपने कमेंट सेक्शन का गाइडलाइंस क्रिएट कर सकता है और उसी के हिसाब से जो भी व्यूअर्स आएंगे वो वहां पे कमेंट कर सकते हैं। और फोर्थ अपडेट है मेंबर सेल्फ। जी हां, इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी क्रिएटर का वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे एक चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ज्वाइन करके। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप उसको पैसे डोनेट करते हैं, 10, 20, 50, 100 आप जितना चाहें उतना उसको डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी चैनल का मेंबरशिप बनता है उसको उस चैनल का लुक कुछ अलग दिखाई देगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो कि उसका मेंबर नहीं बना हुआ है उसको कुछ अलग दिखाई देगा, पहले से बहुत ही अच्छा ये दिखाई देगा। और जो फिफ्थ अपडेट है वो ये है वीडियो एनालिटिक ओवरव्यू। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने YT स्टूडियो में अपना वीडियो का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा, लेकिन बाद में आप इसको पैराग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। अभी इसको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये सभी क्रिएटर पे अपडेट कर दिया जाएगा। जिसका भी यूट्यूब चैनल है उस पे आप पैराग्राफ से आप देख सकते हैं कि आपके वीडियो का ओवरव्यू कितना है, लेकिन अभी आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। तो ये था दोस्तों 5 अपडेट जो कि मैंने आपको बताया, यूट्यूब ने आज ही ये अपडेट रिलीज किया हुआ है और इसको बहुत जल्द सभी चैनल पे अपडेट कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद और समझ आया होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको YouTube से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेज देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।